हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब मस्त होंगे। मैं हूं नीरज, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। सो गाइस, जैसा कि कल होली थी, तो चलते चलते आप देख ही सकते हैं, अभी मैं जंगलों के बीच में हूं। तो कल रात काफ़ी लेट हो गया था, इसलिए हम लोग यहीं पर रुक गए। और आज मैं दिखाता हूं आपको कि अभी हम कहां पर हैं। बहुत ही प्यारी जगह, कैंप ग्रीन में हम, और कल हमने यहीं पर स्टे किया था। तो आज अभी हम थोड़ी देर में निकलेंगे घर को, क्योंकि हमारे गांव में जो है आज भंडारा है। सो वहाँ की भी कुछ झलकियाँ मैं आपको दिखाऊंगा, बट अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का नज़ारा। सैम बाबा, साइकिल चलाने का बहुत शौक है इन्हें। और ये आप देख सकते हैं, इसी कैंप में हम लोग रुके हुए थे कल। कैंप ग्रीन के नाम से है ये, बहुत प्यारी जगह है, आप देख सकते हैं। कल रात को हमने यहाँ पर आग जलाई हुई थी, और ये प्लेट आपको दिख रहे होंगे जो हमने मैगी खाई हुई थी इसमें। और ये आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा नज़ारा है। ये सब जो आप देख रहे हैं, ये चीड़ के पेड़ हैं। कभी आइए कैंप ग्रीन्स। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी लोकेशन में है ये, बिल्कुल जंगलों के बीच में। ये पहाड़ों के घर आप देख सकते हैं। क्या नजारा है। ये एक और टेंट मिला हुआ है हमको घर के बाहर, ट्रांसपेरेंट वाला, और इसमें गद्दे और तकिए वगैरह रखे हुए हैं। अभी जिस जगह पे हम लोग हैं, वहां पर ये जो चीड़ के पेड़ हैं, ये देख सकते हो आप, ये इसे लीसा बोला जाता है, और इसके बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। सो ये ठेके में काम होता है, तो इस तरह से इसको लगाया जाता है यहाँ पर, ताकि जो लीसा है वो इसमें इकट्ठा हो जाए। ये देख सकते हैं आप, अभी गाइज इसमें दो ही टेंट हैं। अभी धीरे धीरे आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो इस तरह से बनाया हुआ है यहाँ पर, तो धीरे धीरे इसमें अभी और टेंट लगते जाएंगे। तो फिलहाल अभी दो ही है यहाँ पर टेंट, एक यहाँ पर लगेगा। ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है इन्होंने, ये आप देख सकते हैं। गाइज, इस घर का थोड़ा काम दिखाते हैं आपको। ये आप ऊपर देख सकते हैं, शायद आपको दिख रहा है या नहीं, ये पूरा चीड़ का काम हुआ है इसमें। चीड़ का पेड़ जो होता है, उसका काम हुआ है पूरा। और ये स्टैंड आप देख सकते हैं, अभी ये लकड़ी का है। तो जो यहाँ के ओनर हैं, काफी क्रिएटिव हैं। ये मोमोज ही बन रहे हैं। और एक चीज और दिखाता हूँ आपको, ये कैसे यूटिलाइज किया हुआ है इसमें।
फोड़ लगाकर। गाइस अभी जिस जगह पे मैं हूँ उसका नाम है शीतला, और आपको ले चलते हैं अभी ट्रैक पे। ये आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं अभी नीचे से, और इस जगह का मजा लीजिए। देखिए व्यू कितना प्यारा है यहाँ पर, सब लड़के बैठे हुए हैं यहाँ पर अभी, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर जगह पे हैं अभी हम। सारे चीड़ के पेड़ हैं यहाँ पर, तभी तो यार ब्रेक खतरनाक लग रही इसमें। हल्के खाली टच करना। हाँ पैडल हल्के हो रहे ना बहुत। सो गाइज अभी चलते हैं हम घर की ओर वापस। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं अपने एरिया में। सो राइड अच्छी रही क्योंकि रोड का काम चल रहा है इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, बट फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने गांव में। भंडारा है वहां पर आज, तो वहीं पर हम लोगों ने जाना है, और टाइम अभी 11 बज चुके हैं। सो काफ़ी लेट हो चुके हैं हम अभी। तो गाइज एक से डेढ़ घंटे पहले हम करीब करीब आ चुके थे घर पे, और उसके बाद नहा धो के हो लिए हैं अब रेडी, आप देख ही सकते हैं। तो अब हम निकलेंगे भंडारे के लिए अपने गांव की तरफ। मेरे साथ में जो टूर पे गए थे लड़के वो भी चंगे हो के आ चुके हैं अभी मंदिर के लिए, और आजकल आप देख सकते हैं पूरा बगीचे बिल्कुल हरियाली से भरे हुए हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर के गेट पर। हर साल होली के दूसरे दिन इस मंदिर में भंडारा किया जाता है, और ये रहा हमारे भूमजू का मंदिर। और भूमजू का मतलब होता है गाइस भूमि के देवता। भंडारे में सूजी और आलू के गुटके बनाए जाते हैं। अबे वो तो सही है, मैं कुछ कह रहा था यार। ये मंदिर हाइट पे है तो यहाँ से हमारा पूरा गांव दिखता है। सो गाइज भंडारा भी हो चुका है ख़त्म, तो अब चलते हैं घर की ओर,
और इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।